तस्मै श्री चक्षुर्मीलिम नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कद मह्यम ददती स्वद वंदेहगुरोपमल श्रीगुरोन्वैष्णवां श्री रूप साग्रजा सह गणरघुनाथ सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सह गणलिता श्री विशाखाता हे कृष्ण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदवनेश्वरी वृषभानोसुते देवी प्रणमा हरिप्रिए वंशाकभ्य कृपासींधुभ्य पति पावनीभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मैं नतमस्तक होकर आभार प्रकट करता हूँ परम पूज्यपाद शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज के चरणों में कि उन्होंने कृपा करके करुणा करके मेरे जिह्हा को प्रभु के सेवा के लिए लगाकर आज वैष्णवों के संग में आमंत्रण देकर मेरी उपस्थिति को यहाँ साकार किया पद्ममाली प्रभु को भी प्रचुर मात्रा में दंडवत अर्पित करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सभी वैष्णवों के चरणों में सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया इसके लिए मैं नतमस्तक होकर सभी वैष्णवों के चरणों में घिर घिर कर प्रणाम करते करते आपके चरण में स्थित धूली को माथे पे रखकर मैं कुछ प्रारंभ करूंगा आज कहने के लिए पर उसके पूर्व आप सब कृपा करके प्रार्थनात्मक भाव से आशीर्वाद आशीर्वादात्मक भाव से मेरी रक्षा कीजिए वंछाकल पत्रुभ्य कृपा सिंधु पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम्म श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहने के लिए तो अनंत लीलाएं हैं तत्व भी है विचार भी है उनके धाम की वैशिष्ट्य भी है उनके नाम की गुणावली भी है उनके रूप माधुरी का भी वर्णन है उनके गुणावलियों का भी वर्णन है बहुत कुछ बातें कही जा सकती है परंतु हमारा समय हमेशा कम रहता है क्योंकि मानव शरीर ही कम कम आयु के लिए दी गई है ब्रह्मा जी ने तो हमेशा समय कम रहता है समय के अभाव के कारण हम भगवान के <coughs> अनंत महासागर जैसे गुणों का तो पूर्ण रूप से निरूपण नहीं कर सकते परंतु एक छोटे से कण मात्र एक छोटे से महिमा आत्मक कर्ण को आज स्पर्श करने का प्रयास करेंगे जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ में कहते हैं कि गौरार आमी गौरार आमी मुखे बलिल नहीं चले गौरार आचार गौरार विचार तबे फले फले इसका अर्थ यह है कि केवल मुख से कहना कि मैं गौड़िय हूं मैं महाप्रभु का भक्त हूं मैं महाप्रभु के संप्रदाय में आता हूं बोले ना ही चले ये बोलने मात्र से कुछ नहीं होता तो फिर कौन है गौड़िय वैष्णव गौड़िय वैष्णव वो है गौरार आचार गौरार विचार तबे फले फले वही जो महाप्रभु के आचरण से सीखता है और महाप्रभु जो उपदेश देते हैं उसका जीवन में अक्षरश पालन करता है यदि कोई कहे कि मैं गीता का पालन करता हूं और फिर गीता के जो श्लोक हैं उनके जी, उनको जीवन में ना उतारे फिर कैसा भक्त हुआ केवल गीता के 700 श्लोक कंठस्थ करने मात्र से कोई भक्त थोड़ी होता है वो तो स्मृति शक्ति का प्रदर्शन है प्रभुपा जी को कभी भी कोई आकर अगर कहे कि मैं सात श्लोक भगवत गीता का कंठस्थ किया हूं तो शिला प्रभुपा जी कहते थे उनमें से एक भी श्लोक तुम जीवन में उतार पाए हो क्योंकि जब तक हम उतार नहीं पाते हैं कोई भी श्लोक का जो सारांश है तब तक भक्ति जागृत नहीं होती कई असुर रहे हैं जो विद्वान रहे हैं जैसे कुंभकर्ण जैसे रावण जैसे कंस जैसे हिरण्य हिरण्याक्ष ये सब वेद पारंगत थे सब सीखे थे सुने थे ब्राह्मणत्व के गुण से संपन्न भी थे प्रारंभिक दशा में परंतु हम देखते हैं कि वो शास्त्र के श्लोकों को पठन करने के बावजूद जीवन में कभी उतार नहीं पाते थे तो भक्त कौन है केवल ज्ञान रखना ये भक्ति का एक लक्षण नहीं है यदि कोई भक्त है और उस कारण से ज्ञान बढ़ रहा है ये ठीक है परंतु केवल कोई ज्ञान का रसास्वादन करे और भक्ति रूपी हृदय का सिंचन ना करे तो फिर क्या फायदा तो यदि कोई मुख से कोई कहे कि मैं महाप्रभु का अनुयायी हूं महाप्रभु का दास हूं महाप्रभु के संप्रदाय में दीक्षित हूं परंतु महाप्रभु के महाप्रभु की शिक्षाओं का यदि अनुपालन ना करे तो फिर वो कैसा भक्त हुआ तो ये सारांश है जगदानंद पंडित कहते हैं कि गौरार आमी गौरार आमी मुखे बलिल नहीं चले केवल ये कहना कि मैं महाप्रभु का हूं या महाप्रभु मेरे हैं या मैं महाप्रभु का भक्त हूं या गौर नीताय की सेवा में करता हूं या वही मेरे भगवान है ये मुख से बोलने से कुछ होता नहीं पर्याप्त नहीं है जो महाप्रभु के शिक्षाओं को पठन करता है पाठ करता है और जीवन में अक्षरश पालन करने का प्रयास करता है वही वास्तविक गौड़ है एक बहुत सुंदर गीत है दुष्टमा तुम्हें किशेरा वैश्ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा विरचित ये श्लोक है, ये गीत है और उसके एक बहुत सुंदर पंक्ति में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं विशेष करके जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट नामक दो घाट के तट पर बैठकर महाप्रभु ने जो शिक्षाएं प्रदान की हर गौड़ी वैष्णव का ये कर्तव्य है उत्तरदायित्व है कि वो इन दो शिक्षाओं का पठन करें कौन से दो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी और चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी वैसे महाप्रभु ने कई भक्तों को शिक्षा दी है जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वार्ता हुई ये मध्य लीला चैतन्य चरितमृत के छठवें अध्याय में पाया जाता है उसी प्रकार महाप्रभु की बहुत सुंदर चर्चा हुई शिला रामानंद राय के समक्ष ये मध्य लीला के आठवें अध्याय में पाया जाता है के उसी प्रकार महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी वार्ता की ये लीला के मुझे लगता है छठवें अध्याय में अंत्य लीला के इसमें पाया जाता है इसी प्रकार महाप्रभु ने प्रकाशनंद सरस्वती के साथ भी वार्ता की और कई भक्तों के साथ ऐसी चर्चा पाई गई है शीला प्रभुपाद जी ने सभी चर्चाओं को सभी संवादों को सभी आज्ञाओं को अलग से निचोड़कर निकालकर एक अलग ग्रंथ बनाया जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य शिला प्रभुपाद जी कहते थे पूरे चैतन्य चरितमृत में जितने भी महाप्रभु के उपदेश हैं वो सब ये एक ग्रंथ में पाया जाता है इसका हिंदी शीर्षक का अनुवाद क्या है मैं अक्षरश नहीं जानता पर मैं जब पढ़ा था उसको अंग्रेजी में इस ग्रंथ का नाम है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य तो सर्वश्रेष्ठ स्थान में दो शिक्षाएं हैं रूप गोस्वामी के समक्ष और सनातन गोस्वामी के साथ इसमें भी यदि आप देखेंगे अच्छा इसको कहाँ पढ़ना है मध्य लीला के उन्नीसवे अध्याय में चैतन्य चरितमृत में एक अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी के साथ जो शिक्षाएं हैं ये शिला प्रभुपा जी ने वहां दी गई शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको बंगाली में बांधा अनुबंधन किया और शिला प्रभुपाद ने उसी का अंग्रेजी में भाषांतर किया फिर बीसवे अध्याय से लेकर चौबीसवे अध्याय तक पांच अध्याय बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस ये सनातन शिक्षा हुई तो इस प्रकार मध्य लीला के उन्नीसवे अध्याय से लेकर चौबीसवे अध्याय तक ये हो गए आपके छह अध्याय इसमें महाप्रभु के उपदेश है रूप गोस्वामी और अच्छा इसमें भी अगर आप देखें सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु दो महीने बैठे इसलिए उसके पूरे चर्चा या संवाद के सारांश को प्रस्तुत करते करते भी पांच अध्याय गए अभी आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर महाप्रभु के साथ बैठे विशेष करके सनातन गोस्वामी और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बैठे गंगा के तट पर और कृष्ण कथा का विस्फोट हो और ये अगर दो महीने के लिए चले तो आप मुझे बताइए कितने पन्ने लग जाएंगे उसका अनुवाद करते करते अभी कोई एक घंटे की कथा करता है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट या भावानुवाद या शब्दानुवाद यदि आप करें तो वही कई बीस पच्चीस पन्ने तक लग जाते हैं और सनातन गोस्वामी और महाप्रभु का संवाद सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चले वो भी दो महीने तो सोचिए कितना लंबा एक पूरा चैतन्य चरितम जिस प्रकार है आदि लीला मध्य लीला लीला उसी भव्य विशाल आकृति का एक ग्रंथ बन सकता है केवल महाप्रभु का संवाद सनातन गोस्वामी के साथ परंतु हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको उसका सार उसका एकदम सिद्धांत का निचोड़ प्रस्तुत किया पांच अध्याय में बीस से लेकर चौबीस तक तो उसका अब चर्चा करने के लिए हमारे पास समय है नहीं परंतु उसके पहले का जो एक अध्याय है एक अध्याय में जो महाप्रभु का संवाद है रूप गोस्वामी के साथ उसका हम आज विहंगावलोकन करेंगे अब विहंगावलोकन का अर्थ क्या है विहंग माने पंची और अवलोकन माने देखना जब पंछी कुछ कुछ भी बात को देखती है पास से नहीं नभस्थल से आकाश से तो वो उड़ उड़कर देखती है ऊपर से देखती है प्रत्येक वृक्ष में उतरकर कितने फल है ये नहीं देखती पर ऊपर से ऐसे उड़ते उड़ते पंछी देखती है कि कितने यहाँ वन है कितने बिल्डिंग है कैसा है निसर्ग का वातावरण किस प्रकार है ऊपर से तो ऊपर ऊपर से जब अध्ययन किया जाता है किसी भी विषय का उसको कहते हैं विहंगावलोकन तो ये इस एक अध्याय का महाप्रभु का चर्चा की चर्चा रूप गोस्वामी के साथ जो दशाश्वमेध घाट में हुई प्रश्न उठ सकता है सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु ने दो महीने चर्चा की तो रूप गोस्वामी के साथ भला कितने महीने कितने दिन कितने हफ्ते तो उत्तर दिया गया शिला प्रभु जी ने दिया कि महाप्रभु ने चर्चा की रूप गोस्वामी के साथ दस दिन तो दस दिन जो भी संवाद रूप गोस्वामी और महाप्रभु के समक्ष हुआ इसका सार प्रत्येक विषय नहीं पर इसका सार कविराज गोस्वामी ने एक अध्याय में बांधा तो चलिए ये अब तक मैंने जो कहा ये प्रस्तावना था अर्थात इंटर इंट्रोडक्शन था अब हम प्रारंभ करते हैं कि महाप्रभु ने किन किन बातों पर गौर करने के लिए वर्णन किया या रूप गोस्वामी को किन किन बातों पर आदेश दी ये बात करने जानने योग्य है कि रूप गोस्वामी तो वैसे सिद्ध महापुरुष हैं उनको इन आज्ञाओं और शिक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये प्रत्यक्ष पालन करते हैं इन शिक्षाओं का परंतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रिय भक्त द्वारे अन्य शिक्षा करो यही तो प्रकार है भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की रीति इस प्रकार है कि वो जन सामान्य हम जैसे लोगों को शिक्षा देते हैं अपने निज पार्षद निज परिकर को निमित्त बनाकर तो रूप गोस्वामी को निमित्त बनाकर महाप्रभु ने हम सबको उपदेश दिया तो क्या आप सब तैयार हैं सुनने के लिए कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से किन किन बातों पर चर्चा की और किन किन विषयों को प्रस्तुत किया किन किन तत्व और रसिक बातों को दर्शाया और हम सबके समक्ष उसको प्रदर्शित किया तो सब भक्त की अनुमति मुझे दिख रही है वीडियो के माध्यम से तो ये कहते कहते हम प्रारंभ करते हैं उन्नीसवे अध्याय चैतन्य चरित आप बाद में पढ़ भी सकते हैं क्योंकि हम सब श्लोक तो ले नहीं पाएंगे जैसे मैंने कहा तो आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा वृंदावनियम रसकेली वार्ता निजशक्ति लुप्ताज संचार्य रूपे व्यतनोत्न स प्रभु विधो प्राक इव लोक सृष्टि बहुत सुंदर वर्णन आया है चैतन्य चरितामृत में वृंदावनियम रसकेली वार्ता की ब्रज के लीलाओं को जगत में प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने क्या किया जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बासुरी के माध्यम से ब्रह्मा के हृदय में शक्ति संचारित की ताकि इस जगत की सृष्टि हो उसी प्रकार वही श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर रूप गोस्वामी को ब्रह्मा की पदवी देकर उनके हृदय में शक्ति संचारित करके रस के इस बहुत सुंदर सृष्टिकरण के लिए आदेश दिया <laughs> ब्रह्मा जी को जिस प्रकार भगवान ने शक्ति संचारित करके आदेश किया कि पूरे सृष्टि का निर्माण करो और विधाता बन जाओ उस प्रकार रस के जगत को भक्ति के सृष्टि को जागृत करने के लिए वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर रूप गोस्वामी आदि कवि रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचारित किए दशाश्वेद घाट में और रूप गोस्वामी ने इसी बल को ग्रहण करके भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि उपदेशामृत विदग्ध माधव नाटक ललित माधव नाटक दान के स्तव माला, कितने अनंत ग्रंथ जैसे लघु भागवतामृत कितने श्लोक जैसे और जैसे चैतन्यष्टकम कितने गीत जिस प्रकार राधे जय जय माधव थे, क्या क्या नहीं लिखा रूप गोस्वामी ने और ये केवल दस दिन महाप्रभु के सानिध्य में बैठकर महाप्रभु ने जो शक्ति संचारित की इस बल से रूप गोस्वामी ने आजीवन भजन करके पूरे जगत को कृतार्थ किया महाप्रभु के समक्ष रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि मुझे भक्ति के विषय में सुनाइए तो महाप्रभु कहते हैं भक्ति एक महासागर के समान है पार अपार गभीर शून्य भक्ति रस सिंधु तुमाई चकाईते तार कही एक बिंदु हे रूप भक्ति मानो एक महासागर के समान है जितना उसमें हम गहराई में चले जाए और गोते लगाए उतना ही लगता है कि हम कहीं गए नहीं अभी भी मानव ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं क्योंकि ये दैन्यता आती है भक्त के हृदय में और एक और अर्थ ये है भक्ति महासागर इसलिए है क्योंकि उसके नीचे एक बहुत ही अलग दुनिया है बाहर से कोई देखो तो महासागर में केवल तरंग लगते हैं पर कोई अगर पानी के अंदर चले जाए तो वो देख पाता है कि अंदर भी लता पताए हैं अलग अलग पौधे हैं पानी वाले मछली है हाँ और, और भी गहराई तक जाओ तो आप मोती तक पा सकते हैं बाहर से कोई व्यक्ति अगर अभक्त देखे भक्ति रूपी महासागर में उसको लगी कंठी और तिलक से क्या है मानो तरंग लग रहे हैं ऊपर और भक्ति के भक्त के भक्ति रूपी हृदय में कोई प्रवेश करके जाए तो मानो एक नवीन सृष्टि है अंदर और गहराई तक जाने पर प्रेम भक्ति की मोती भी प्राप्त की जा सकती है <laughs> कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब शिखाई प्रभु भागवत सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने महा श्रीमद भागवत सिखाया रूप गोस्वामी को और भागवत सिखाते सिखाते कृष्ण तत्व के विषय में भक्ति तत्व के विषय में रस तत्व के विषय में सब सब शिखाई प्रभु भागवत सिद्धांत भागवत सिखाते सिखाते इन सभी तत्वों का प्रकाश किया और कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री रूपे हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला महाप्रभु ने मानव रूप गोस्वामी के हृदय को स्पर्श करके कहा कि मैं अब शक्ति संचार कर रहा हूं भक्ति का और करते करते केवल महाप्रभु के सानिध्य में रहते रहते सर्व तत्व प्रवीण करीला सभी तत्वों में रूप गोस्वामी नैपुण्य प्राप्त किए अब रूप गोस्वामी के विषय में तो ये हुआ अब प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या शिक्षाएं दी चलिए जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं है ये महाप्रभु की वाणी है जो चैतन्य चरितामरत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की वाणी है जो प्रभुपाद के ग्रंथ में प्रभुपाद की वाणी है तो मैं केवल निमित्त हूँ ये उन्हीं की वाणी है चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ करते हैं कि हे रूप करोड़ों अनंत अरब खरब ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत मात्रा में प्रचुर मात्रा में ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह में अनंत प्रदेश हैं और उसमें अनंत संख्या में में जीव जीव हैं इन सभी जीव में एक समानता है कि सब भगवान के अंश हैं भौतिक अंश नहीं आध्यात्मिक अंश स्पिरिचुअल पार्ट्स ऑफ कृष्णा सभी भगवान के ही दास हैं परंतु अलग अलग योनियों में अलग अलग देह धारण करके भ्रमण कर रहे हैं बिचारे महाप्रभु कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता है जीव कभी कभी चर कभी कभी अचर चर माने प्राणी पंछी इत्यादि कीड़े मकोड़े ये सब चर हैं, मानो चलते हैं और कभी अचर माने जो वृक्ष हैं या जो पर्वत हैं इत्यादि तो ये इनमें भी शक्ति होती है इनमें भी जीव है पर ये चल नहीं पाते हैं, अचल हैं चल और अचल या चर अचर महाप्रभु कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों जीव करोड़ों बार जन्म लेते हैं मरते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाते फिर भगवान की विशेष अनुकंपा से एक मानव शरीर प्राप्त होता है फिर कहते हैं फिर भी सरल नहीं है अधिकांश मनुष्य जो मानव शरीर प्राप्त करता है वो नास्तिक बनकर ही रहता है कोई बिरला ही आस्तिक होता है भगवान में विश्वास करने वाला फिर जो भगवान में विश्वास करते हैं उसमें अधिकांश लोग निराकार ब्रह्म के पथ पे चलते हैं कि भगवान है पर कोई शक्ति है कोई निराकार आकृति है मतलब हर जगह है उनका कोई रूप नहीं है कोई नाम नहीं है कोई गुण नहीं है कोई लीला नहीं है बस ब्रह्म है निराकार ब्रह्म है। और हम भी जब मर जाते हैं जीव शरीर से निकलता है और वो ब्रह्म में लीन हो जाता है ऐसे अधिकांश लोग मानते हैं उनमें जो बिरला जो भगवान के अनुकंपा से पोषित हैं, वो मानते हैं कि भगवान निराकार नहीं है साकार है आध्यात्मिक चिन्मय शरीर से ढके हैं या शरीर है उनका स्वरूप फिर वो जानते हैं ये इस बात को पर कुछ और आगे करते नहीं है कुछ भजन नहीं करते कोई सेवा नहीं करते बिरला उन उनके पक्ष से बिरला ही कोई होता है जो भगवान के लिए कुछ करना प्रारंभ करता है उसमें भी दो प्रकार हैं एक सकाम और दूसरा निष्काम सकाम माने जो मंदिर जाते हैं विश्वास करते हैं कि भगवान है ये भी विश्वास करते हैं कि भगवान की आकृति है इसलिए तो मूर्ति के सामने माता टेकते हैं माता टेकते ठे, हैं पर मांगते क्या हैं दक्षिणा देते हैं माला चढ़ाते हैं फूल चढ़ाते हैं आरती भी करते हैं और मांगते क्या हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे का ओम जय जगदीश हरे महाप्रभु कहते हैं करोड़ों जीव उसमें विरला ही कोई मानव मानव बनता है मानव में भी अधिकांश नास्तिक रहते हैं फिर जो आस्तिक रहते हैं उसमें अधिकांश निराकारी रहते हैं फिर उनमें जो साकार भाव से हैं अधिकांश उनमें कोई सेवा नहीं करता बस हाँ भगवान है बस सब ठीक है <laughs> ऐसे रहते हैं फिर जो कार्य करने जाते हैं उसमें अधिकांश स्वार्थी रहते हैं सकामी रहते हैं फिर उसमें जो निष्काम बहुत ही छोटा हम समझ पा रहे हैं ना जैसे पर्वत के शिखर की ओर चल रहे हैं हम बेस से लेकर पीक तक फिर जो सकामी हो जाते हैं या निष्कामी हो जाते हैं कि भगवान के पास जाए पर कुछ मांगे नहीं उसमें भी बहुत लोग सिद्ध नहीं हो पाते हैं बीच में फंस जाते हैं भौतिक इच्छाओं के कारण उनमें बिरला कोई एक मुक्त तो होता है महाप्रभु कहते हैं करोड़ों ऐसे मुक्त पुरुषों में एक कृष्ण भक्त होता है <laughs> कृष्ण भक्ति कितनी सुलभ तो है सबके जीवन हमारे सबके जीवन में आई है कृष्ण भक्ति का जागरण जागरण हुआ है पर दुर्लभ है बहुत ही दुर्लभ बहुत बहुत दुर्लभ और इस संदर्भ में महाप्रभु कहते हैं मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांता कोटीस्वी महामुने हे रूप गोस्वामी करोड़ों जीव में कोई एक मुक्त होता है और करोड़ों मुक्त में एक भक्त तो होता है कितनी बड़ी बात है गीता में भी प्रभु कहते हैं बहुनाम जन्म नम अन्ते ज्ञानवान मध्यते हैं दूसरे संदर्भ में प्रभु इसी संदर्भ में दूसरे स्थान में प्रभु कहते हैं मनुष्याण सहस्रेशु कश्चि यतति सिद्धये यथताम अपनी सिद्धान कश्चिन मां वेदी तत्वतः करोड़ों लोग में एक मनुष्य बनता है करोड़ों मनुष्यों में एक मुक्त होता है करोड़ों मुक्त में एक सिद्ध होता है करोड़ों सिद्धों में एक भक्त होता है <laughs> और ऐसे हजार भक्त आज इस कॉल में है मैं क्या कहूँ ये ये कृपा कहूँ कि सौभाग्य कहूँ सोचिए कितने छोटे छोटे जीव हैं चीटी रूप में उनको खाने तक कुछ नहीं मिलता खड्डे में जीते हैं खड्डे में मरते हैं कोई संसार के कोई पता नहीं कहीं वन में फंसे हैं कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा कब भक्ति मिलेगी कब भक्तों का संग मिलेगा और हमारा सौभाग्य देखो मानो सुवर्ण थाली में प्रभु सजाकर सौभाग्य दिए हैं हमें तिरुपति मंदिर में भक्त जब खड़े रहते हैं तो कभी कभी चार पांच छह घंटे लग जाते हैं दर्शन लगते लगते फिर यदि कोई वरिष्ठ कोई आ जाए पॉलिटिशियन आ जाए कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो वीआईपी लाइन होता है उनका उसको ब्रेक दर्शन बोलते हैं मानो हम जैसे जन सामान्य खड़े रहते हैं तो उस लाइन को रोका जाता है और रोक कर इनको बीच से दर्शन दिया जाता है जो वीआईपी होते हैं मानो मनुष्य शरीर वैसा है सब जीव लाइन में खड़े हैं कब वो दिन आएगा कि प्रभु का दर्शन मिले सब छोटे छोटे जीव और प्रभु क्या किए उस लाइन को ब्रेक करके हमको बीच में से निकाल दिए मनुष्य शरीर लेकर जाओ दर्शन कर लो और हम जैसे लोग क्या करते हैं न जानते हुए बीच से प्रभु ने छोड़ दी हम फिर भी पलट कर आकर ये नॉर्मल साधारण लाइन में खड़े हैं हम <laughs> मनुष्य शरीर तो मिल चुका मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया जानिया ठाकुर नौ। कहते हैं मनुष्य होकर भी द्विपद पशु की तरह मैंने तो मेरा जीवन निर्वाह किए भक्ति रहित होकर ठाकुर इस संदर्भ में कहते हैं भजो भजो भाई या भजो भज हरी मन दृढ़ करी मुखे बोलो तार नाम भज भज हरी मन दृढ़ करी मुखे बोलो तार भजन करो हम फिर कहते हैं क्या करना है उसमें मुख से नाम लो फिर आता है अरे मन नहीं लगता तो मन दृढ़ करी अरे मन लगे नहीं लगे मन की बात यदि मानते रहो ना तो फिर वो वापस हमें चीटी बना देगा मनुष्य बने हैं मन की बात मानने के लिए नहीं मन को मनमोहन के चरणों में लगाने के लिए मानव शरीर मिला है <laughs> मनमोहन है प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण तो ये पहली बात है शिक्षा में महाप्रभु ये पहली बात कहते हैं अच्छा अब दूसरी बात क्या कहते हैं फिर महाप्रभु दूसरी बात कहते हैं रूप गोस्वामी से मानो रूप गोस्वामी की हृदय में यह बात जागृत हुई या प्रश्न उठा कि कैसे है कि कोई भक्त बनता है बाकी भक्त नहीं बन पाते पर एक कोई जीव भक्त बन लेता है ये क्या कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है क्या कि लॉटरी की टिकट लगानी पड़ती है क्या या कोई कहीं से किसी की चापलूसी करके चलो मुझे भी भक्त बना दो क्या है मार्ग क्या है भक्ति ग्रहण करने का मानो ये प्रश्न उठा तो इसका निवारण करते हुए महाप्रभु दूसरी बात कहते हैं कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज ये कहते हैं कि जीव अपने बल से कुछ कर ही नहीं सकता भक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अगर कोई दो फीट का बच्चा हो और वो ये इच्छा करे कि चांद को मैं स्पर्श करना चाहता हूं चंद्र स्पर्शन मैं करूं तो प्राय संभव है परंतु चंद्रमा के चंद्र किरणों से चंद्रिकाओं से अपने आप वो स्पर्शित हो सकता है ये स्पर्श नहीं कर पाएगा पर चंद्र स्पर्शित कर सकती है स्पर्श कर सकती है उसी प्रकार एक और उदाहरण दे सकते हैं कि छोटा सा बच्चा पिता के कंधे पे कभी चढ़ नहीं पाएगा पर वो अगर बैठ के रोए तो अपने आप पिता बैठ जाते हैं नीचे और उसको उठा लेते हैं तो बच्चा कंधे पे कैसे चढ़ता है अपने कोई बल से नहीं अपने कोई साधन से नहीं प्रभु के या अपने पिता की कृपा से तो महाप्रभु कहते हैं जिन जीवों का स्मरण कृष्ण करते हैं ना गोलोक में बैठकर राधा रानी बैठी है गोलोक में और जिन जीवों का वो स्मरण करती है उन जीवों को गोलोक वृंदावन लाने की इच्छा रखती है तो उनको वहां से मुक्त कराने भाव संसार से मुक्त करके गोलोक धाम में प्रवेश कराने के लिए राधा रानी और श्री श्याम सुंदर स्वयं गुरु तत्व के रूप में अपने दास दासियों को यहाँ जगत में भेजते हैं बोले जाओ पकड़ो हाँ, अरविंद नाम का एक कपटी व्यक्ति है उसको पकड़ो दीक्षा दो और उसको अमरेंद्र नाम दो या सबका हम अपने अपने नाम लगा सकते हैं जोड़कर राधा और कृष्ण जिनका स्मरण करते हैं गोलोक वृंदावन में बैठकर तो उन जीवों के उद्धार के लिए उनके उनको कृपा करके उनके अः उद्धार के लिए राधा रानी अपनी दासियों को भेजती है कृष्ण अपने दासों को भेजते हैं और वही गुरु कृष्ण प्रसाद गुरु रूप में आकर कृष्ण प्रसाद को ले आते हैं और भक्ति लता बीज अपने हमारे हृदय में भक्ति के बीज को अंकुरित करते हैं हम भक्त बनते हैं भक्तों की कृपा से श्रील राधनाथ स्वामी महाराज ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जनी होम उसमें वर्णन है कि महाराज बाल्यावस्था से वो सोचते थे कि कथम प्राप्त मांगल्य कि कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं और यही चिंतन करते करते चिंतित घर त्यागा और फिर वृंदावन तक आ गए सोचिए अमेरिका कहाँ यूरोप कहाँ हिच हाइक करके गाड़ी पकड़ कर कहीं नहीं ऐसे एक जगह से दूसरे जगह दूसरे जगह आते आते वृंदावन तक पहुंच गए क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की भूख थी अभी हम जब हृदय में हाथ रख के सोचे हमारे जीवन में हमें ऐसी भूख तो कभी नहीं थी कि भगवान मिल जाए ये तो साधुओं की हृदय में होती है तो हमारे जीवन में भक्ति कैसे जागृत हुई ये हमारे बल से नहीं हमारे भजन से नहीं ये वैष्णव की कृपा है भगवान की कृपा वैष्णव के माध्यम से आती है माधुर्य कादम्बरी नामक ग्रंथ है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी बात को कहते हैं कि अहित्व की कृपा से हमारा उद्धार होता है तो इसीलिए तो भक्त कहते हैं ना मुझ पर कृपा करो क्योंकि हम चाहे जितना माला घुमाए हम चाहे जितना भजन करें बात हमारे भजन से बनेगी नहीं बात कृपा से बनेगी और कृपा तब तक नहीं होगी जब तक हम भजन न करें <laughs> तो हमारे भजन माला घुमाने से बात बनेगी नहीं किससे बनेगी प्रभु की कृपा से पर प्रभु कृपा तब तक करेंगे नहीं जब तक हम पसीने से लतपथ ना हो सेवा करके जैसे मैया यशोदा जब तक भागी नहीं दामोदर लीला में जब तक प्रयास की नहीं उनके प्रयास से तो हुआ नहीं प्रयास प्रभु बदले गए अपनी ही कृपा शक्ति से पर कृपा शक्ति तब तक, तक हुई नहीं जब तक मैया पसीने से लतपथ हुई नहीं यही बात है एक प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार बता रहे थे कि जब प्रभुपाद जी उनके मंदिर में आए तो हजारों की संख्या में भक्त आए थे और ये भक्त की इच्छा थी कि प्रभु जी प्रभुपाद मुझे एक बार देखे निहारे मुझे एक बार तो उन्होंने क्या किया कीर्तन चल रहा था तो कीर्तन में सब नाचते ही है ना सब आराम से नाच रहे थे ये भक्त सोचे कि मैं छलांग लगाऊंगा और सबसे ऊंचा जो छलांग लगाता है प्रभुपाद की दृष्टि तो जाएगी <laughs> तो कीर्तन आराम से चल रहा हो ये बीच में एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छलांग ऐसे ही लगा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने सेवक को बुलाया बोला उस भक्त को पूछो यहाँ ले आओ उनको <laughs> तो वो भक्त को ले आए प्रभुपा जी ने कहा क्या कुछ समस्या है क्या <laughs> क्या हो गया इतना छलांग क्यों लगा रहे हो वो भक्त कहे हाँ प्रभुपा जी समस्या था समस्या थी पर आपने उसका निवारण कर दिया समस्या ये थी कि आपकी आपके दर्शन की लालसा थी मैं छलांग इसलिए लगा रहा था कि आग एक बार मुझे देख लो अभी आपने पास बुलाकर बात कर लिया अब पूरे जीवन में अगर मैं छलांग ना लगाऊं तो फिर भी ठीक है आपसे बस बात करना था बस तो वो भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का दर्शन या प्रभुपाद जी का दृष्टिपात हम कुछ कर नहीं सकते कि वो हो तो उन्होंने ऐसे प्रयास किया कि छलांग लगाए और बिना छलांग का वो होगा नहीं कृपा तो दृष्टि तो होगी नहीं तो छलांग लगाना मानो ये साधना के समान है और प्रभुपाद जी की दृष्टि ये कृपा और दोनों मिल जाए तो फिर भेंट हो जाती है तो महाप्रभु इस बात को बताते हैं और इसी संदर्भ में ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव प्राय इसकोन के भक्त सब इसको कंठस्थ करते ही हैं ये इस संदर्भ में आता है महाप्रभु कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा का पालन करते करते वैसे आप सब तो धन्य हैं ही गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ के प्रतिदिन नाम जप करते हैं ये सौभाग्य सबको नहीं होता बिल्कुल नहीं होता मैं सच्ची बात कहता हूँ ये सौभाग्य हर भक्त चाहता है कि अपने गुरु के साथ बैठकर नाम जपे कभी साल में एक दिन <laughs> और प्रत्येक दिन साल में गुरु सामने आए वीडियो में आए ऑडियो में आए अभी देखिए कि ये मतलब एकदम विपरीत पहले के जमाने में ऐसे होता था कि गुरु कहते थे कि नाम तुम जपो और शिष्य बैठ के जपता था और गुरु सुनते थे कि ठीक जप रहा है कि नहीं अभी गुरु इतने कृपालु हैं कि वो जप रहे हैं शिष्य सब म्यूट में है गुरु जी अनम्यूट में है <laughs> इतना सौभाग्य किसी को नहीं मिलता तो दीक्षा लेकर अनुसार रहकर साधन भजन में अग्रसर होकर महाप्रभु कहते हैं उस भक्ति लता की जो बीज है ना वो अंकुरित होने लगती है श्रवण और कीर्तन ये मानो सूर्योदय है और जल सिंचन है इससे जो बीज है भक्ति लता का पुष्ट होने लगता है और एक बहुत सुंदर लता जागृत होती है जिसमें फूल लगते हैं किसके प्रभु के आकर्षण की प्रभु के प्रति मन आकृष्ट हो जाता है भाव जागृत होने लगता है ये फूल है उसी भक्ति बीज की लता में और फल क्या है कृष्ण प्रेम और ये फल के दो अर्थ है एक तो इसी फल को प्रभु कहते हैं गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुम फल अर्पित करो मुझे क्या फल है ये यही भक्ति लता बीज जो है इसको हम सिंचन करते 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 जब कृष्ण प्रेम का फल उदित उदित होता है प्रभु उसको ले जाते हैं अपने पास और दूसरा अर्थ यह है कि फल में रस लगता है रस माने जीवन में आनंद सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा जब तक कृष्ण प्रेम का फल रस कोई चके नहीं पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति कर नहीं सकता तब तक बेचारा कोई फोन में आनंद ढूंढता है तो कोई व्यक्ति में आनंद ढूंढता है तो कोई स्थान परिवर्तन में आनंद ढूंढता है कोई नई गाड़ी में नए घर में अलग अलग व्यक्ति वस्तु विशेष परिस्थिति बदल कर सोचता है कि आनंदित हो जाऊंगा पर वास्तविक आनंद महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम रूपी फल में जो रस है यही भक्त को रसिक बनाता है और आनंद के महासागर में भाव विभोर करता है हर्षोल्लास से प्रफुल्लित करा देता है रूप गोस्वामी पाद पूछते हैं कि ये रस के कितने प्रकार हैं? क्या सब भक्त एक ही रस चकते हैं हनुमान जी तो अलग रस चक्र हैं दास्य का और मैया यशोदा अलग रस चक रही है वात्सल्य रती का और मधुमंगल सुबल अर्जुन पांडव ये अलग रस चक्र हैं सख्य रति का मित्रता का तो भक्ति का जो रस है इसमें भी अलग अलग प्रकार है क्या रूप गोस्वा पूछते हैं महाप्रभु कहते हैं सही पहचाना पांच प्रकार के प्रमुख रस हैं पहला है नीचे से हम प्रारंभ कर रहे हैं या पांचवा कह सकते हैं पांचवा है शांत रति महाप्रभु कहते हैं इसके उदाहरण है चतुष्कुमार और नव योगेंद्र महाराज ऋषभदेव के पहले नौ पुत्र इनको नव योगेंद्र कहते हैं और चार कुमार ब्रह्मा जी के चार पुत्र तो फट से रूप गोस्वामी पात पूछते हैं ये शांत रति या शांत रस का लक्षण क्या है कैसे जाने की कोई शांत रति में है तो रूप तो महाप्रभु कहते हैं दो विशेष लक्षण है एक जगत की तृष्णा से मुक्ति इंद्र तृप्ति मनोरंजन की इच्छा ये सब मुक्त हो जाती है व्यक्ति को नहीं चाहिए स्वादिष्ट भोजन अच्छे कपड़े <laughs> दूसरों से सम्मान बड़े घर में रहने की इच्छा सुख समृद्धि और ऐश आराम भोग ऐश्वर्य की इच्छा नष्ट हो जाती है पहला तृष्णा से मुक्ति और दूसरी बात इष्ट से निष्ठा भगवान के प्रति आसक्ति जगत से विरक्ति ये लक्षण है जैसे प्रहलाद महाराज में ये शांत रति के लक्षण फिर महाप्रभु कहते हैं शांत रति में सेवा करने की वृत्ति नहीं होती वो बस मनन चिंतन करते हैं चतुष्कुमार मनन करते हैं प्रहलाद महाराज मनन करते हैं योगेंद्र मनन करते हैं चिंतन करते हैं पर सेवा की वृत्ति नहीं होती तो सेवा की वृत्ति जब लग जाती है ना इसमें वो है दास्यरथी इस तो चौथा पांचवे से बढ़कर चौथा इसमें सेवा वृत्ति लग जाती है महाप्रभु कहते हैं इसके उदाहरण है हनुमान और महत्वपूर्ण बात है जब हम आगे के रस के विषय में बोल रहे हैं तो पिछ पहले जो वर्णित रस है इनके लक्षण तो चलेंगे साथ में ऐसा नहीं कि वो छूट जाएगा उसके साथ साथ आगे हम मिला रहे हैं जैसे हमने कहा शांत रति में दो लक्षण हैं कौन से कौन से हैं एक तृष्णा से मुक्ति और दूसरा इष्ट से निष्ठा इष्ट में भक्ति अब हम कहते हैं दास्य रति में एक अधिक गुण है वो है सेवावृत्ति तो ये तीन हो गए अब जो हनुमान जी है उनको तृष्णा से भी मुक्ति है राम से निष्ठा है और साथ साथ सेवा की वृत्ति है ये तीन बातें पर एक बात उनमें कमी है वो क्या है समभाव से ममता नहीं कर पाएंगे जैसे राम के बगल में बैठकर कोई चुटकुला सुनाना उनके लिए हाथ उनके कंधे में डालकर कोई कथा सुनाना उनके साथ खेलना ये कदापि संभव नहीं क्योंकि हनुमान जी दासरथी में है तो ये एक बात अगर मिल जाए तो वो है सख्यरति उसमें ममता अधिक हो जाती है महाप्रभु कहते हैं शिलरूप गोस्वामी पाद से इस संदर्भ में कि सखागण मतलब पिछले जो बात हम कह रहे हैं ये तो चलेगा ही इसके साथ साथ आगे मानो जो सखागण है ममता अधिक कृष्ण आत्म समान अथएव सख्य रसेर वश भगवान महाप्रभु कहते हैं कि जो सखा है ये प्रभु से समभाव से स्नेह करते हैं डरते नहीं है मतलब तृष्णा से मुक्ति है भगवान में भक्ति है निष्ठा है साथ साथ सेवा की वृत्ति है और साथ साथ उसमें ममता भी लग जाती है कि ये प्रभु मेरे हैं और मैं इनका हूँ इनके बिना मेरा जीवन नहीं मेरे बिना इनका जीवन नहीं मैं छोड़ के चले चले जाऊं तो ये किनके साथ खेलेंगे ये छोड़ के चले जाए तो हम किन के साथ खेलेंगे तो इसमें आदरात्मक भाव नहीं है कि कृष्ण को देखो तो फिर झुक जाओ सहस्र शीर्ष सहस्राक्ष सहस्र पात ऐसा नहीं होता वो तो सामने से कहेंगे और क्यों रे कनुआ क्यों रे लाला आया नहीं समय से तेरे को तो कहा था नौ बजे आने तू क्या साढ़े नौ बजे आता है और वैकुंठ के वासी मानो सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति माया में है जो ऐसे बात कर रहा है प्रभु से <laughs> अलग अलग रस की अलग अलग छटाएं हैं अलग अलग लक्षण है तो ये हो गया सख्यरति परंतु सखा समभाव में है अब इसमें यदि लालन पालन की इच्छा हो जाए और ताड़न भर्सन दो बातें लालन पालन माने पोषित करना दूध पिलाना नहलाना कपड़े देना उनके बाल सवरना नींद से उठाना सुलाना और साथ साथ में ताड़न भर्सन झूठ बोले तो थप्पड़ लगाना वैसे मैया तो लगाती नहीं है बस हाथ दिखाती है ऐसे डंडा दिखाती है कोई दामोदरीला में एक चित्र नहीं दिखेगा आपको कि जहां वो डंडा प्रभु के शरीर से स्पर्श होता है सिर्फ ऐसा है बस डराने <laughs> के लिए ताड़न भरसन झूठ बोलता है चोरी करता है खाने को हो तो फिर प्रांगण से उठाकर मिट्टी खाता है क्यों घर में कुछ खाने के लिए नहीं देती क्या मैं तो लालन पालन करना प्रभु की रक्षा के लिए प्रार्थना करना कि हे नरसिंह देव मेरे बाल गोपाल की रक्षा करना <laughs> इनके स्वप्न में कहीं दुस्वप्न ना आ जाए ये वन में चले जाए तो कभी कोई भूत प्रेत इन पर वार ना करे और उसी प्रकार ये कोई गंदे गालियां ना सीखे मैया को ये सब चिंता होती है <laughs> तो ये दो बातें जब मिल जाती है महाप्रभु कहते हैं उसको वात्सल्य रति कहते हैं वात्सल्य रति और इसमें होता क्या है दास्य रति में भक्त अपने आप को नीचे मानता है प्रभु को ऊपर सख्य रति में भक्त अपने आप को भगवान के सम मानता है और वात्सल्य रति में भक्त अपने आप को ऊंचा मानता है और भगवान को नीचे कि मैं इसको ना खिलाऊंगी तो ये कहाँ से खाएगा मैं इसको अपना स्तन दूध ना पिलाऊं तो ये देखो दुबला पतला हो जाएगा अरे पूरे ब्रह्मांड को खिलाने पिलाने वाले कभी पतले होंगे ऐसा दास्य वाला सोचता है ब्रह्मांड का स्वामी ये मैं अगर इसको सुलाऊ नहीं तो ये सो भी नहीं पाएगा ऐसा वाला भक्त तो सोचता है वही प्रभु है पर अलग अलग रस के अनुसार अलग अलग दृष्टि ये महाप्रभु समझा रहे हैं अपने मुखारविंद से कितना रस है देखिए कितना रस और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं इससे भी ऊपर कोई रस है क्या तो महाप्रभु कहते हैं माधुर्य रस कृष्ण निष्ठा सेवा सखेर असंकोच लालन ममता अधिक महाप्रभु कहते हैं सर्वश्रेष्ठ यदि सेवा वृत्ति की देखी में देखी जाती है ये रति में दी जाती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रीमती राधा रानी है रूप गोस्वामी पाद कहते हैं हां और उसी रानी का भाव लेकर आप आए हो तो महाप्रभु कहते हैं <laughs> ज्यादा बोल रहे हो आप <laughs> रूप गोस्वामी ने पहचान कर कह दिया उन्हीं राधा रानी के भाव को ग्रहण करके आप आए हो महाप्रभु कराते हैं तो इस प्रकार रस के बहुत सुंदर विभाजन महाप्रभु कराते हैं उदाहरण के लिए हमने दे दी शांत रस के लिए शांत रथी के लिए चतुष्कुमार दास्य रथी के लिए हनुमान सख्य के लिए जो श्री दाम सुदाम वसुदाम किंकिणी कृष्ण लवंग उज्जवल अर्जुन कितने विशाल पंच पांडव ये सब सख्य रति में वात्सल्य में नंद बाबा मैया और माधुरी रति में राधा जो भी गो, गोपांगनाएं हैं गोपियां हैं तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि माधुरी रति में ये सर्वश्रेष्ठ रस पाया जाता है रूप गोस्वामी पाद अंत में पूछते हैं ये तो बहुत सुंदर विभाजन हुआ जीव ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किस प्रकार मधुर रति तक प्राप्त कर सकता है आपने तो बहुत सुंदर विशाल भव्य मानव एक धारा समझा दी पर इसमें कोई गतिरोधक है क्या कोई स्पीड ब्रेकर है क्या महाप्रभु ने कहा एक ही बात है वैष्णव अपराध जब भक्त का हम अपराध करते हैं तो रस जो हृदय में उतर सकता है वो क्षीण हो जाता है लुप्त तो हो जाता है महाप्रभु इस संदर्भ में कहते हैं कि वैष्णव अपराध छह प्रकार के हैं पतनानि निंदंती किसी वैष्णवा की हत्या का प्रयास करना दूसरी बात निंदा करना तीसरी बात द्वेष करना चौथी बात उनको देखकर आनंद की अनुभूति ना होना या उनको दंडवत ना देना आदर ना देना पांचवी बात उन पर गुस्सा करना छठवी बात ऐसा व्यवहार करना कि वो हमसे असंतुष्ट रहे ये सब वैष्णव अपराध है उसके साथ साथ महाप्रभु कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा करना दूसरों से आदर की अपेक्षा करना छिप छिप कर आ, कपट का पालन करना छल और कपट दूसरों के प्रति हिंसात्मक भाव रखना और शास्त्र विरुद्ध आचरण निषिद्ध आचार करना ये सब भक्ति के प्रतिकूल है तो अनुकूल क्या है गुरु आज्ञा के अनुपाल के अनुसार पालन करना साधन कर साधन में रहना सत्संग को छोड़कर दुस्संग को त्यागना सत्संग में ही रहना और दुसंग को त्यागना और सदा सर्वदा हमारे भक्ति लता बीज को वैष्णव अपराध और कृष्ण के विपरीत प्रतिकूल जो भी विचार हैं इनसे रक्षा करना महाप्रभु कहते हैं कोई भी जीव यदि इन बहुत सुंदर पद्धति रीति का पालन करता है तो एक जीवन में वो जीव मनुष्य प्राप्त होकर मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्रेम की ओर इसमें कोई संकोच नहीं इसमें कोई संदेह नहीं प्रेम की ओर वो चल सकता है फिर अब हम सब पूछेंगे इतना सुनने के बाद हमें मिलेगा क्या <laughs> हर कथा के अंत में तो होता है पालन हो ना हो बताइए होता क्या है ये कथा सुनकर महाप्रभु कहते हैं भावित भावित कृष्ण स्पुर अंतरे कृष्ण कृपाए अज्ञ पाए रस सिंधु पारे ये कथा सुनने से होगा ये कि हर कदम पर भाव बढ़ेगा भगवान के प्रति कृष्ण हृदय में स्फुरित होंगे कृष्ण की कृपा अवश्य होगी और अज्ञ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति भी रस सिंधु को पार करेगा श्रद्धा करी ए कथा सुने जय जने श्रद्धा करके जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है प्रेम भक्ति पाए से चैतन्य चरण कविराज गोस्वामी कहते हैं वो व्यक्ति श्रद्धा करके जो इस कथा को सुनता है पठन करता है प्रचार करता है उसके हृदय में भक्ति प्रेम भक्ति जागृत होती है और महाप्रभु के चरण को वो प्राप्त कर लेता है श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शिल रूप गो पाद की जय पति तपावन शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव लोकनाथ स्वामी महाराज की जय गौर प्रेमानंदे हरि भो